ये रहा ऊटी। अभी हम चारों गाड़ी लेके निकल रहे हैं। 4 बजे जब उठा हूँ तैयार होने के लिए, पूरा बादलों और फॉग से घिरा हुआ है। इको पॉइंट जाने का पूरा रोड घाट सेक्शन है, पर शहर है बताओ। सही जगह जा रहा हूँ या नहीं जा रहा हूँ, नॉट श्योर। यूं कहीं से हम लोग ऐसे चलते 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 यहाँ फाइनली हम पहुंच गए टॉप पे। ऐसे ही बस चाय के बागान में घूमते रहना है, घूमते रहना है। Hey everyone, good morning. Time हो गया है 4:19 and this is the day 2 of Ooty. ये रहा Ooty, पूरा full fog से भरा हुआ है और हम जैसे ही उठे होटल में लाइट ही नहीं है। होटल एक्सपीरियंस इज वेरी बैड। अभी रेडी होते हैं, देखते हैं कब तक रेडी होते हैं भाई सारे लोग, फिर यहाँ से निकलेंगे डे टू के लिए। हाँ जी गुड मॉर्निंग। ये देखो 1 2 3 4 कितना टाइम हो रहा है, 5:45। 5:45 हो रहा है और हम लोग 4 बजे जग गए थे। आज है डे टू ऑफ ऊटी। हमने डिसाइड किया जगह सनराइज पॉइंट है, उसका नाम नहीं पता है, चलते हुए बताऊंगा। और अभी हम चारों गाड़ी लेके निकल रहे हैं। पूरा ऊटी सो रहा है, कोई नहीं जग रहा है। और होटल का एक्सपीरियंस तो बहुत ही वर्स्ट रहा है, रास्ते में एक्सप्रेस करेंगे चीज़ों को। फिलहाल फटाफट गाड़ी रेडी करते हैं, निकलते हैं अपने व्यू पॉइंट। तो भाई हम जा रहे हैं इको रॉक एड्रेलिन पॉइंट, जो यहाँ से 28 किलोमीटर दूरी के पे है। 57 मिनट्स लगेंगे और टाइम हो रहा है 5:56। तो अब हम निकल रहे हैं लाइन से यहाँ से। बहुत ख़तरनाक है भाई ये। बिल्कुल हम 4 बजे उठ गए थे, उठ गया हूँ और सबको उठाया हूँ ज़बरदस्ती, साले उठ नहीं रहे थे ये लोग। और बताता हूँ भाई, होटल का एक्सपीरियंस इतना बैड रहा ना, पहले तो हमने सोचा कि एक दिन यहाँ रुकेंगे। प्रॉब्लम ये है ना कि बात हम जब कर रहे थे तो 2 दिन की बातें कर रहे थे। पहले सोचा था 1 दिन रुकेंगे, फिर वो बोलता है नहीं 1 दिन नहीं रुक सकते, 2 दिन रुक रहे हो तुम लोगों ने, 2 दिन की बात कर रही थी। फिर 4,000 पर डे था 8,000 के लिए, 2 दिन के लिए सेटिंग थी। फिर बोलता है कि 1 दिन रुकोगे तो 5,000 देना पड़ेगा पर डे। बहुत बदतमीजी कर रहा था भाई होटल में, ना पानी था ना कुछ था, बहुत ही बकचोदी हुई। Somehow we managed water. उसके बाद रात में सोए हंसी मजाक करके, आप 4 दोस्त थे हम लोग तो हमने मैनेज कर लिया, तो सोए। और सुबह 4 बजे जब उठा हूँ तैयार होने के लिए, ये पहले व्यू देखो ऊटी का, वाह बेहतरीन। सुबह 4 बजे तैयार होने के लिए उठे, बिजली नहीं थी भाई होटल में, उन्होंने पूरी सप्लाई काट रखी थी। पता नहीं कब तक था रात में, तो हमारे जितने भी आइटम चार्ज पे लगाए हुए थे वो चार्ज पे थे। क्या रास्ता है भाई ये, क्या बकचोदी कर रहा है यार, क्या झोल दिखा रहा है, आ जाओ। ओहो गलत रास्ता इधर उधर हो गया यार, अब देखो वही रास्ता दिखा रहा है। तो किसी तरीके से हमने अपनी फोन की लाइट, इमरजेंसी लाइट्स, वो सारी चीज़ें जला जला के मैनेज किया और तैयार हुए। और फाइनली अब हम निकल चुके हैं एको पॉइंट एड्रेलिन नाम का कोई जगह है, 28 किलोमीटर दूर है भाई। यहाँ पे जितनी भी जगह हमने सर्च की घूमने वाली, वो बस यहाँ से बहुत दूरी दूरी पे है यार, बहुत दूर दूर पे है। अंदर तो बस यही बोटैनिकल गार्डन और मार्केट है, यही सब चीज़ें हैं, बाकी सब चीज़ें बहुत दूर दूर है। तो फटाफट इस ऊटी शहर के नज़ारे को एंजॉय करते हुए मॉर्निंग व्यू निकलते हैं सीधे। ये देखो पहाड़ से नीचे की तरफ हम जा रहे हैं, क्या नज़ारा है यहाँ पे। वो सब चाय के बगान है, आई थिंक इस रास्ते में चाय के बगान देखने को मिल सकता है,
लस्सी देखने को मिलता है कि नहीं। ये देखो चाय के बागान, वाओ ब्यूटीफुल। ये देखो चाय का, यह तो पूरा फैक्ट्री है यहाँ पे। वाओ भाई, मिरर पे फॉग आ जा रहा है, और ये पीछे पहाड़ के नीचे जितना भी सिटी और जो भी दिख रहा है ना, पूरा बादलों और फॉग से घिरा हुआ है। विजिबिलिटी बहुत ही लो है, एटलीस्ट सड़क पे तो सही है। सड़क पे मतलब नज़दीक आने पे विजिबिलिटी फुल दिख रही है, यहाँ से हम दूर दूर देख रहे हैं ना, वहाँ बिल्कुल कुछ नहीं दिख रहा है अभी। भाई रोड और व्यू को देख ऐसे लग रहा है देहरादून आ गया हूँ, मसूरी। वाह जबरदस्त। और ये देखो पाइन ट्री फॉरेस्ट, क्या सही लग रहा है भाई, बाप रे। इनके बगल से ही होके जाना ऐसे लग रहा है, एकदम लग रहा है मसूरी में हूँ। मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है, दिल गार्डन गार्डन हो गया है। ये देखो सनराइज होने के कागार पे है, और अब हम लोग भी रास्ते में ही हैं। टाइम क्या हो रहा है, 6:22 होना तो नहीं चाहिए आई थिंक। भाई ये इको पॉइंट जाने का पूरा रोड घाट सेक्शन है, कब से कंटिन्यूसली हम सांप बनने पड़े हैं, यूं करके बस यही किए जा रहे हैं, और बहुत ही ध्यान से चलना होता है क्योंकि तो दोनों साइड से गाड़ियाँ आ रही होती हैं। ऐसे खतरनाक जगहों पे, पहाड़ों पे चौड़े रोड बनाना पॉसिबल नहीं है, फिर भी इतने चौड़े भाई शहरों में नहीं होते हैं कई जगह इतने चौड़े रोड। बहुत अच्छा रोड है, बट स्टिल कॉर्नर्स पे बहुत ही थी ध्यान से अपन चलते हुए आ रहे हैं। अभी भी 10 किलोमीटर और 21 मिनट्स बचा हुआ है, और थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का कहीं कहीं देखने को मिल रहा है सनराइज़ का वो स्टार्टिंग फेज। देखो क्या विशाल का है पे पहाड़ है यार, और ये सारा ये पूरा का पूरा पाइन ट्री है बगल में हमारे। ये लोग गाड़ी खड़ा करके जा कहाँ रहे हैं यार, ऊपर शहर है बताओ। गजब है। ये देखो भाई कितने सारे सड़क पे फूल यार, और ये बेहतरीन चाय के बागान। वाओ ये इतनी गाड़ियाँ खड़ी क्यों है मेरे को समझ नहीं आ रही है, खड़ा करके ये लोग गए कहाँ हैं। वाओ मैन जस्ट लुक एट द व्यू, बेहतरीन। बाप रे डर लग जा रहा है ऐसे नीचे इधर देखते तरफ। ये देखो सड़क के बगल में ही पूरा ये चाय का ट्री है, बाप रे कैसे दिख रहा है ये, ऐसे नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है। वाह ये देखो शानदार, 6 किलोमीटर अभी भी बचा हुआ है हमारा पॉइंट हम जहाँ जा रहे हैं। बेहतरीन है यार, यहाँ तो बस गाड़ी चलाने को मिल जाए ना खूब सारा, वही सही है। बाकी होटल एक्सपीरियंस तो बहुत ही बैड रहा हमारा, बाकी हम यहाँ पे बस गाड़ी चला लें इन वादियों में। अभी हम पॉइंट पे पहुंच नहीं पाया, अभी यहीं सनराइज हो गया अच्छा खासा। 1 2 3 4 एंड आओ दिखाते हैं भाई जन्नत। टाइम हो गया 7:30 अप्रॉक्स, और क्या नाम था अपना, इको पॉइंट एड्रेनलिन समथिंग सर्च करके आए थे। रास्ता तो बहुत ही बेहतरीन था, यूँ पूरे चाय के बागानों में से आए, गाड़ी यहाँ खड़ा किया क्योंकि गूगल यहाँ से गाड़ी का रोड नहीं शो कर रहा है। वहाँ से कुछ लोग आ रहे हैं लेफ्ट साइड से, आई थिंक उधर ही जाना है, लेट्स सी। तो ये पीछे जो लोग हैं इनसे फीडबैक मिल गया है, और उसने
और उसने बोला यहाँ के तो नहीं, उसने बोला या बो दावे इन यू गो एंड सी वर्ल्ड से। तो हम जा रहे हैं दावे इन एंड सी यू। सुन ना ले भाई, वो मार के सब अभी आके मारेगा मेरे को, पटक के मारेगा मेरे को। तो वी आर गोइंग दावे इन भाई। कुछ ऐसे रास्ते हैं बिल्कुल चाय के बागानों के बीच से होते हुए। सही जगह जा रहा हूँ या नहीं जा रहा हूँ नॉट श्योर, बस चल रहे हैं। काफी मजा आ रहा है। I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency. A message for eternity, for everyone in... यूं कहीं से हम लोग ऐसे चलते 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 यहाँ है। वहाँ तक तो जमीन नॉर्मल थी, यहाँ से थोड़ी चढ़ाई थी। और ये देखो चाय के बागान। और यहाँ हम फाइनली पहुँच गए ऊपर। अब देखते हैं यहाँ से क्या सीन है। तो भाई फाइनली हम ऊपर आ चुके हैं, अभी थोड़ा और ऊपर जाना है। बट यहाँ पे ही कुछ ऐसा दिखाने लायक आ गया था कि दिखाना पड़ेगा। लेट्स एंजॉय द व्यू। ये देखो क्या शानदार वो नीचे लेक दिख रहा है, भयंकर व्यू है यार। अभी इसको ऊपर जाना है, ऊपर जाएंगे। यहाँ का भी एंजॉय कर लिया, अब वहां चलते हैं ऊपर। देखो वो लोग आ रहे हैं ना, कुछ लोग वहां चलेंगे। चलो फिर सीधे पहुंचे ऊपर। फाइनली हम पहुंच गए टॉप पे, इको पॉइंट एड्रेनल समथिंग करते हैं। दिखाता हूँ व्यू। ये देखो यहाँ पे सनराइज का व्यू आ रहा है, चारों तरफ पहाड़ और उनकी तलहटी में चाय के बागान। वो कोई नदी एक दिख रही है, चमक रही है, पीछे लेक है। लेक नहीं है, मुझे लग रहा है नदी है, आसपास कटी हुई है। और वो देखो वहाँ पे कुछ बादल नजर आ रहे हैं। बादल को जूम आउट करते हैं। टाइम हो गया है 8:50 और यहाँ हमने गाड़ी खड़ा की थी। और यूं अंदर अंदर घुस घुस के वो टॉप पे चल के आए थे। एंजॉय किया होगा, मजा आया होगा व्यू। अभी यहाँ से हम चल रहे हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। फटाक से मैप लगाते हैं और निकलते हैं यहाँ से। फिर रास्ते में बताता हूँ कि कहाँ जा रहे हैं। क्या खतरनाक व्यू है। अभी हम एक लेक है, पता नहीं क्या नाम था यार, वो 27 किलोमीटर दूर दिखा रहा है यार। क्या बकचोदी है, 27 किलोमीटर दूर। अभी यहाँ के लिए हम फिर वही 30 किलोमीटर दूर चल गए थे ऊटी से। भयंकर भयंकर दूरी है यार एक दूसरे से जगहों की। तो फिलहाल फटाफट वहीं निकलते हैं, सीधे वहाँ पहुँचते हैं। बीच में कुछ अगर अच्छा हुआ तो देखते हैं। भाई मजा आ गया, क्या मस्त टर्न्स थे। फटती तो है लेकिन थ्रिल तो बहुत आता है भाई, लिटरली अमेजिंग अमेजिंग।
वाटरफॉल की तरफ जा रहे हैं। 10 किलोमीटर अभी भी बचा हुआ है, ऐसे ही बस चाय के बागान में घूमते रहना है। चलो पहुंचते हैं फटाफट। यहाँ के लोग बिल्कुल हेल्पफुल नहीं है यार, एकदम मतलब कुछ उनको समझ में नहीं आ रहा कि कोई कुछ पूछ रहा है, क्या है, कैसे है, उनको समझाने की कोशिश करें, कोई कुछ भी हेल्प करने की तैयारी नहीं है। पहला वाला तो हमने किसी तरीके से ढूंढा, वो भी कैसे ढूंढा, कुछ लोग घूमने आए थे तो उनसे पूछा, उधर से वापस आ रहे थे तो पूछ लिया भाई उधर जाना ठीक है क्या, तो बोलते हाँ। और फिर दूसरी पॉइंट जो हम गए थे घूमने, वहाँ से तो पता नहीं क्या कुछ उसने वापस ही करवा दिया, बैरियर लगाया हुआ था। फिर दूसरी जगह आए, वहाँ से भी पता नहीं क्या, समझ लो बकवास ही हो गया, बिल्कुल मतलब बकवास एक्सपीरियंस रहा यहाँ लोगों के साथ। यहाँ पहाड़ में घूम के तो देखा ही कितना मज़ा आ रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है ये प्लांटेशन के बीच में घूमने में, लेकिन लोग बहुत ही बिल्कुल हेल्पफुल नहीं है यहाँ पे, कुछ बताने को नहीं रेडी हो रहे हैं कि कैसे हम लोग कहाँ जाएँ, कैसे क्या करें। बड़ा ख़राब एक्सपीरियंस रहा है, बाकी व्यू तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, अच्छा लगा, काफ़ी अच्छा लगा घूम के यहाँ पे। ये कुन्नूर एरिया में हम लोग घूम रहे हैं, अभी कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करे आदमी क्या ना करे। तो अपन वापस जा रहे हैं ऊटी, और ऊटी के पास में एक आध कुछ जो जगह होगा ना उसको देखेंगे, रेस्ट करेंगे। ये पूरे प्लांटेशन के अंदर से ही निकलना है वापस ऊटी के लिए, 22 किलोमीटर है जिसमें 51 मिनट्स लगने वाले हैं। तो फटाफट यहाँ से बाहर निकलते हैं, ऊटी पहुँचते हैं, फिर वहाँ डिसाइड करते हैं कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है। 6.5 hours later इको पॉइंट वगैरह, वाटरफॉल वगैरह, डिसअपॉइंटमेंट वगैरह सब करा के वापस होटल आ गए थे, एंड फिर थोड़ा रेस्ट किया, फ्रेश हुए जो भी है अपना, फिर बारिश आई खूब तेज, फिर थोड़ा वेट किया, और अभी कितना बज रहा है, 3:50 के करीब में हम निकल रहे हैं वापस से पाइन फॉरेस्ट घूमने। तो अभी वो 11 किलोमीटर लगभग यहाँ से शो कर रहा है, 26 मिनट्स लगेंगे ऐसा मानना है। तो अब ये क्या करेंगे, हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं और रास्ते में ही कहीं पे रुक के पहले खाना खाएंगे, लंच नहीं किया अभी तक हमने, दबा के खाना खाएंगे, उसके बाद फिर वहाँ से पाइन फॉरेस्ट की तरफ निकलेंगे, वहाँ पे लेक है, लेक को देखेंगे, एंड देन फिर अगर कुछ और समझ में आया तो देखेंगे, एंड देन वापस बैक टू पवेलियन। तो फिलहाल कंटिन्यू करते हैं, बारिश आ रही है, चलो। तो भाई टाइम हो गया 5:13, यहाँ से हमने हाईवे फूड कॉर्नर से खाना खाया, बिरयानी वगैरह जिसको जो खाना था वो खाया, एंड अभी मैंने वो लगा लिया है, मैप लगा लिया है पाइन फॉरेस्ट जाने का। सब लोग साथ में निकल रहे हैं, चल के देख आते हैं भाई क्या है वो भी जगह, क्या हाइप बना रखी है इस चीज़ की। बहुत ही 5-10 मिनट में हम पहुंच जाएंगे, 6 बजे पाइन फॉरेस्ट एरिया बंद होता है आई थिंक, तो उससे पहले अपने को पहुंचना है और देखते हैं जाके क्या है। तो भाई यही है, ऊटी की सड़कों पर चल रहे हैं, और मुझे लग रहा है वो बगल में देखो ये पेड़ दिख रहे हैं ना, सब पाइन फॉरेस्ट ही हैं। तो फटाफट पहुंचता हूँ पाइन फॉरेस्ट के पास, उसके बाद अपडेट देते हैं आगे का सीन। तो भाई हम पहुंच चुके हैं पाइन फॉरेस्ट एरिया में, ये जो भी पेड़ है ना सब पाइन ट्रीज ही हैं, और जैसा कि मेरा अंदाज़ा है कि इधर ही से होके आए हम, मैं पूरा श्योर हूँ इधर ही से होके आए थे। बस फटाक से यार जहाँ ये बोल रहा है पहुँचने को वहाँ पहुँचते हैं, अगर कुछ नहीं हुआ तो फिर सर्च करते हैं कि पाइन फॉरेस्ट में जाना क्या होता है भाई, करना क्या होता है, फिर उस पॉइंट को सर्च करने की कोशिश करेंगे। ये जो एरिया है ना ये बहुत पुलिस लगी हुई है भाई, भयंकर पुलिस लगी हुई है यहाँ पे,
तो वो थोड़ा पार्ट था और ये लग रहा हैवी पार्ट है पाइन फॉरेस्ट एरिया का, और पॉइंट भी दिखा रहा है हमें पहुंचने के लिए। तो फटाफट एक बढ़िया सा नज़ारा दिखाता हूँ पाइन ट्री के बगल में चलने का। चलो लेट्स कंटिन्यू। पहुंच गए हम लगभग अपने गूगल वाले लोकेशन पे, पाइन ट्री ऊटी करके जो था, यहीं पे पता लगाएंगे भाई उन पॉइंट्स के बारे में जहां जाना होता है अपने को। पहले पता लगाता हूं फटाक से, फिर वहां निकलेंगे। ओ भाई चलो, गाड़ी पार्क में लगाते हैं फटाक से। तो ये रहा भाई अपना पार्किंग, और वो है अपना टिकट काउंटर, और ये है पाइन ट्री का लोकेशन। ठीक है, ये रहा पाइन ट्री। नहीं नहीं नहीं, सारा बैग में रख लेंगे। ठीक है, अब वो बैग चेक करवाते हैं। बैग चेक करवाते हैं। अबे पॉकेट में रखो, पॉकेट नीचे मत डालो। ये बड़ी अच्छी बात कही आपने। चलो भाई जुगाड़ करते हैं अंदर जाने का। ये रहा अपना पाइन ट्री एरिया। ये रहा पाइन ट्री व्यू पॉइंट, जिसके अंदर एक लेक व्यू आता है, वहां से एंट्री होती है। एंड ये चारों तरफ हम बैठ के एंजॉय कर सकते हैं। I'm changing who I am, I'm made. चलो चलते हैं लेक के पास, वहां अपने बंदे हैं, वहां चल के कुछ करते हैं आतिशबाजी। ये नजदीक से कुछ ऐसा दिखता है। यस, जोरदार भाई। One eternity later. ये देखो भाई, नीचे गए लेक घूमे, और ये जो दिख रहा है ना यहाँ से वहां जाने का, नॉर्मल दिख रहा होगा, इतना खतरनाक है कि हालत ही खराब हो गई आने में, भयंकर हालत खराब हुई। अब ये देखो दिखता कैसे है, ये रहा सड़क, और यूं करके कुछ ऐसे करके दिखता है, वो रहा टिकट काउंटर, और यहाँ गाड़ी खड़ा कर देते हैं। तो ऐसा था कुछ भाई पाइन ट्री का। ये आई थिंक हमारा लास्ट प्लेस रहेगा ऊटी का, अब सीधे घर जाएंगे और घर जाके रेस्ट करेंगे। तो फटाफट यहाँ से निकलते हैं थोड़ी देर में। ऊटी में एक्सपीरियंस बहुत ही गंदा रहा यहाँ के लोगों के द्वारा। जगह तो मस्त है भाई, जगह बहुत अच्छी है, और अगर तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा पैसा है तो ही तुम जा सकते हो बड़े ब्रांड वाले होटल्स के अंडर में, अदरवाइज यू हैव टू फाइंड सम अफोर्डेबल होटल्स, राइट। बट यहाँ के लोग बहुत ही बेकार हैं यार, बिल्कुल, मतलब जो हमारा होटल एक्सपीरियंस रहा ना वो बिल्कुल भद्दा रहा है बिल्कुल। बाकी घूमने में बहुत मज़ा आया, चाय के बागानों में खूब घूमने, मतलब मस्ती की, बहुत ही मज़ा आया। तो बज चुका है 6:30, और अभी हम वापस जा रहे हैं अपने घर रूम पे, और ये आज का हमारा लास्ट प्लेस था। Day 1 घूमा हमने, Day 2 घूमा हमने, Day 3 में हम सो के उठेंगे रिलैक्स होके, और आराम से हम घर की तरफ निकलेंगे। इसलिए हम इस वीडियो को यहीं ख़त्म करेंगे, एंड आई होप यू हैव लाइक द वीडियो। तो इन खूबसूरत चाय के बागान और पाइन ट्री के मनमोहक दृश्य की जर्नी को यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू सून, टेक केयर।